हम लोग शनि महाराज की कृपा से तो बहुत परिचित हैं, उनके न्याय से भी परिचित हैं। शनि देव को हम न्याय का देवता मानते हैं, यह समस्त ग्रहों के न्यायाधिकारी एवं दंडाधिकारी हैं। अगर शनि देव आपके जीवन में खुशियाँ लाते हैं तो ये आपके जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आप उनको दंडित भी करते हैं। इस प्रकार शनि देव का स्थान आपके भविष्य में, वर्तमान में और जो बीत चुका है समय, उसमें भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे साधारण सी चीज़ है कि शुद्ध आचरण, सात्विक आचरण, प्रसन्न मन रहें, सात्विक रहें, सद्भावना रखें। लेकिन हमें कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें हमें शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए। किन्हीं चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, किन्हीं चीज़ों का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए, किन्हीं चीज़ों का खाद्य रूप पदार्थ में हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, किन्हीं चीज़ों को हमें देव को नहीं जड़ाना चाहिए या देव को नहीं देना चाहिए या लोगों से नहीं बात करनी चाहिए। क्या है वो नियम, क्या है वो वस्तुएं, क्या है वो कार्यकलाप जिन्हें हम ना करके भगवान शनिदेव की कृपा को हम शीघ्रता शीघ्र रूप से प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपने आचरण को भी शुद्ध रख सकते हैं, स्थिर बनाए रख सकते हैं। तो देखते हैं। मैं गिरिराज सिंह दशा दशा चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कुछ सामान जो कि निम्न प्रकार हैं, आप इन सामानों का क्रय विक्रय शनिवार के दिन ना करके या अपनी राशि के अनुसार प्रयुक्त दिन जो कि शनिवार ना हो कर सकते हैं, जैसा कि समाज में होता आ रहा है। ये निम्न प्रकार हैं। लोहे का सामान, ये तो आप सभी को पता होगा कि शनिवार को लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शनिवार को लोहे का क्रय करने से या विक्रय करने से शनिदेव कुपित रहते हैं। इस दिन लोहे से बनी चीज़ों का दान का विशेष महत्व है। आप लोहे का सामान दान करेंगे, मतलब उसमें हम कोई पैसे का लेन देन नहीं करेंगे, तो जो उससे शनिदेव की दृष्टि, जो कुपित दृष्टि होती है, वो निर्मल होती है। घाटे में जो व्यापार होता है उसमें आपको मुनाफा प्राप्त होने लगता है। इसके अतिरिक्त शनिदेव यंत्रों से होने वाली जो घटना है, लौह यंत्रों से होने वाली जो घटना है, उससे बचाते हैं। तेल, इस दिन तेल खरीदने से बचना चाहिए। तेल का आप दान कर सकते हैं, दान में कोई प्रयोग वो नहीं, क्योंकि दान में आपकी भावना जुड़ती है, जो आपकी सद्भावना होती है। खरीदने में आपका क्रय विक्रय जुड़ता है, जो कि पैसे वाला इशू बना देता है। काले कुत्ते को सरसों के तेल से बना हलवा खिलाने से शनि की दशा टलती है। शनिवार को सरसों या किसी भी तेलीय पदार्थ खरीदने से वह रोगकारी सिद्ध होता है। नमक, नमक हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको नमक खरीदना है या आप भूल गए खरीदना, तो शनिवार के दिन को छोड़कर किसी अन्य दिन आप खरीदें। रात में नमक कभी ना खरीदें, दिन के समय ही खरीदें, प्रातःकाल खरीद लें या दोपहर तक खरीद लें। शनिवार को नमक खरीदने से यह घर पर कर्ज लाता है और रोगकारी होता है। कैंची, कैंची एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी चीज़ को, जैसा कि कागज़, कपड़े इत्यादि को आप काटने में इस्तेमाल करते हैं। रुई, पुराने समय में कपड़ों के जो व्यापारी होते थे या वस्त्र बनाने वाले होते थे, वो शनिवार के दिन कैंची नहीं खरीदते थे। इस दिन खरीदी गई कैंची या खरीदी गई जो यंत्र हैं, आपको रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए अगर आपको कैंची खरीदनी है तो किसी अन्य दिन खरीद लें। काले तिल, सर्दियों में काले तिल शरीर को पुष्ट करते हैं। वैज्ञानिक कारणों से हम इन काले तिलों का के जो लड्डू होते हैं वो बना के सर्दियों में खाते हैं। सर्दियों से मुकाबला करने के लिए, शरीर की गर्मी को बरकरार रखने के लिए आपको काले तिल की ज़रूरत अत्यधिक होती है। तंत्र क्रियाओं में भी काले तिल के को प्रयोग किया जाता है।
पूजन में भी काले तिल का प्रयोग किया जाता है। शनिदेव की दशा टालने के लिए हम काले तिल का दान एवं पीपल के वृक्ष पर काले तिल को चढ़ाते भी हैं। लेकिन खरीदते समय शनिवार के दिन काले तिल कभी न खरीदें, क्योंकि इस दिन काले तिल खरीदने से आपके आने वाले या हो रहे कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। काले जूते, शरीर के लिए जितने जरूरी आपके वस्त्र होते हैं उतने ही जरूरी आपके जूते होते हैं। खास तौर से काले रंग के जूतों को बहुत लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं या फिर आपके प्रोफेशनल्स होते हैं। अब आजकल तो ऑनलाइन खरीदारी हो गई है, लेकिन काले रंग के जूते खरीदने का अगर आप समय चाहते हैं कि हम शनिवार को ना खरीदें, तो कृपया शनिवार को ना ही काले रंग के जूते की ऑनलाइन शॉपिंग करें, ना ही उसको बाज़ार में जाकर आप खरीदें। शनिवार को खरीदे गए काले जूते आपके कार में आपको असफलता प्रदान करते हैं। ब्लास्टिंग मटेरियल या ज्वलनशील पदार्थ, रसोई के लिए ईंधन, माचिस, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ माने गए हैं। भारतीय संस्कृति में अग्नि को एज ए हम लोगों ने देव माना है और ईंधन की पवित्रता पर जोर दिया जाता है। किचन या रसोई घर की पवित्रता पर भी हम अत्यधिक जोर देते हैं, लेकिन शनिवार को ईंधन को खरीदना वर्जित माना जाता है। यह सर्वज्ञात माना गया है कि शनिवार को ईंधन खरीदा गया ईंधन परिवार में कष्ट लाता है। झाड़ू, झाड़ू घर के विकारों को बुहार कर, घर के विकारों को साफ करके उसे निर्मल बनाती है, उसके कूड़े करकट को हटा के उसको साफ सुंदर स्वच्छ बनाती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार के दिन उपयुक्त नहीं माना गया है, इसलिए घर में शनिवार को झाड़ू का आगमन नहीं होना चाहिए। अगर आपको शनिवार के दिन किसी त्यौहार पर या एकादशी पर या देवोत्थान एकादशी पर आपको या लक्ष्मी जी के किसी पूजन में आपको झाड़ू देना है, तो कृपया मंदिर में दान कर दें झाड़ू, वो ठीक है। नई झाड़ू दान करने से भी आपको अधिक फायदा होगा, लेकिन मंदिर में दान करें, ना कि किसी और को दें। अपनी झाड़ू, नई झाड़ू, अपनी प्रयुक्त की गई झाड़ू को किसी दूसरे गृहस्थ को ना दें। घर में शनिवार को घर झाड़ू लाने से या इसके अतिरिक्त अपनी प्रयुक्त की गई झाड़ू को किसी दूसरे को देने से या नई झाड़ू को किसी और को देने से घर में दरिद्रता का आगमन होता है। आप दूसरों के पाप को अपने सर पर ले लेते हो। चक्की, बहुत से लोग घर में चक्की को रखते हैं, पहले नहीं रखते थे, लेकिन अब आजकल जितना छोटा चक्की हो गई है और ऑटोमेटिकली चक्कियां घर में हो गई हैं, तो घर में चक्की शनिवार के दिन मत खरीदिए, क्योंकि वो एक यंत्र होती है। पत्थर तो होता ही है, साथ में उसमें मोटर भी लगी होती है, यानी एक यांत्रिक, एक मैकेनिकल आपकी वो चक्की है और इलेक्ट्रिकल चक्की है, तो वो नहीं खरीदनी चाहिए। कहा जाता है घर में परिवार में तनाव लाती है और इस चक्की के बना हुआ जो भोजन होता है, आटे से बना हुआ भोजन होता है, वो रोगकारी होता है। स्याही, इंक, सरस्वती या विद्या मनुष्य को यश एवं प्रसिद्धि दिलाती है और उसे अभिव्यक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है आपका पेन, आपकी कलम, आपके कलम की ऊर्जा जो है उसके अंदर व्यक्त करने वाली स्याही है। कागज, कलम, दवात, स्याही खरीदने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन गुरुवार माना जाता है। शनिवार को ना ही आप स्याही खरीदें या ना ही किसी को आप स्याही का दान दें, यह मनुष्य को अपयश का भागी बनाता है। इन 10 वस्तुओं का विक्रय शनिवार के दिन ना करके आप अपने जीवन में भगवान शनिदेव की कृपा को आप बढ़ा सकते हैं और उनके कोप को, अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो उसको निर्मल कर सकते हैं, उसको अपने सकारात्मक आचरण से शुद्ध कर सकते हैं, सकारात्मक आचरण से प्रभावहीन कर सकते हैं। आप अपने कर्मों पर पड़ने वाले शनि के 7.5 या ढैया के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में
मैं आपको शनिदेव से संबंधित और भी अन्य जानकारियाँ देता रहूँगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। दशा चैनल के यह एपिसोड आपको कैसा लगा कृपया इसके बारे में हमें कमेंट ज़रूर करें। कृपया ये भी बताएं कि आपको आगे किस तरह के वीडियोस को सुनना है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और मुझसे संबंधित जितने भी चैनल के परिवार के लोग हैं उनका ज्ञानवर्धन बढ़ सके। सब्सक्रिप्शन से इस परिवार की वृद्धि पॉसिबल है, इस परिवार की वृद्धि अवश्य है। यह है परिवार संवर्धित होगा, बढ़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको किसी दूसरे संबंध, किसी दूसरे टॉपिक, किसी दूसरे धर्म के लेख पर आपको जानने की इच्छा है, किसी धार्मिक कथा के बारे में जानने की इच्छा है, किसी धार्मिक पुरुष के बारे में जानने की इच्छा है, या किसी धार्मिक रीति या विधा के बारे में जानने की इच्छा है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि मुझे इसके बारे में यह जानना है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्योंकि दशा दिशा चैनल जो है आपके लिए इस तरह के वीडियोस हमेशा लाता रहता है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको फिर से कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। स्वास्ति।